हाय, हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दलिया की दो सिंपल सी रेसिपी। दलिया बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करता है और हेल्दी वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। तो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ये वेजिटेबल दलिया खिचड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच दलिया लिया है। ये नॉर्मल डिनर स्पून है जो हम लोग घर पर यूज़ करते हैं। क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दलिया को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। इसको मल्टीपल टाइम्स 5 से 6 बार वॉश करना है ताकि ये जो पानी है ये बिल्कुल क्लियर दिखने लगे। और वॉश करने के बाद आपको इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट सोक करके रखना है। तो यहाँ पर दलिया बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये कुकर लिया है और इसमें मैंने डाला है ये 1 चम्मच घी और इसमें मैंने डाली है बिल्कुल ज़रा सी हींग अच्छे फ्लेवर और ईजी डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है आलू, बीन्स, कैप्सिकम और गाजर। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। गाजर को मैंने इस तरीके से बारीक ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स करना है। अभी इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ ये बिल्कुल थोड़ा सा नमक। छोटे बच्चे के लिए आपको नमक कम से कम रखना है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होते जाए आप नमक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ में मैंने डाला है इसमें थोड़ी सी हल्दी और हल्दी डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब मैंने डाला है इसमें ये सोक किया हुआ दलिया और दलिया डालने के बाद आपको इसको बिल्कुल थोड़ी से 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि दलिया और ये सब्जियां इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है ये 1 कप पानी। पानी मैंने इसमें 250 ml के करीब डाला है। थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपको इसको प्रेशर कुक करना है 3 से 4 सीटी आने तक और उसके बाद धीमी आँच में आपको इसको 5 मिनट तक और पकाना है। और कुकर जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आपको इसको खोलना है। तो यहाँ पर कुकर ठंडा होने के बाद मैंने इसको खोला है और आप देख सकते हैं जो दलिया है ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। पानी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको और थोड़ा पकाकर सुखा सकते हैं। और सब्जियाँ भी आप चाहें तो इसको अभी इसी टाइम पर मैश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 टेबल स्पून पनीर। पनीर को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था और पनीर डालने के बाद आपको इसको 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। पनीर डालने के बाद एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको तेज़ आंच में 1 से 2 मिनट तक ज़रूर पकाएं, क्योंकि बाहर का जो पनीर होता है वो उतना सेफ़ नहीं होता है बेबी के लिए। और अगर आप घर का पनीर यूज़ करेंगे तो वो तो बेस्ट होता है। तो यहाँ पर पनीर डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप इसकी अपने हिसाब से रख सकते हैं। और दलिया को आप हमेशा लुकवर्म सर्व करिए ताकि बेबी को खाने में और अच्छा लगे। और इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, लंच में भी सर्व कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग मिल के बाद आप इसको सीधे ब्रेकफास्ट में भी खिला सकते हैं, ये बहुत फिलिंग होता है। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये दलिया योगर्ट के साथ। गर्मियों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और इसके लिए मैंने सेम धुला हुआ और सोक किया हुआ दलिया लिया है और ये 2 चम्मच के करीब दलिया मैं कुकर में डाल रही हूँ। क्वांटिटी जैसा कि मैंने आपको बताया आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा नमक और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून मूंगफली का पाउडर। आप बादाम का पाउडर भी ले सकते हैं। और अब आपको इसको प्रेशर कुक करना है सेम 3 से 4 सीटी आने तक। और ठंडा होने के बाद मैंने इसको खोला है तो आप देख सकते हैं ये जो दलिया है ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। और इसमें आपको भी पानी ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि हम दही ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने दलिया को बोल में निकाल लिया है और इसको आपको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैंने इसमें डाला है ये 1 टेबल स्पून योगर्ट। खट्टा दही आपको बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रेश दही लेना है। ज़्यादा खट्टा दही होगा तो वो बेबी को पसंद नहीं आता है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं योगर्ट और डालकर। तो मैंने इसमें करीब 2 चम्मच के करीब दही डाला है और ये जो कंसिस्टेंसी है ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। और इसमें अब हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 1 चम्मच घी। बच्चे के लिए घी बहुत अच्छा होता है। और इसमें मैंने डाला है बिल्कुल ज़रा सी हींग और ये छोटी वाली राई, स्मॉल वाली मस्टर्ड ली है मैंने। और साथ में डाला है इसमें करी लीव्स और इसको आपको हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है अराउंड 1 मिनट के लिए। और इस तड़के को डालना है फिर आपको इस दलिया वाले मिक्सचर में। और ये जो टेम्परिंग है इसको आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। आप सोच रहे होंगे करी लीव्स मैंने क्यों डाली है बेबी के लिए। जब आप बेबी को ये दलिया खिलाएंगे तो आप ये करी लीव्स निकाल सकते हैं, मगर ये करी लीव्स डालने से इसमें फ़्लेवर बहुत अच्छा आता है। बच्चों को नया नया और डिफरेंट फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ताकि उनको फूड बोरिंग ना लगे। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर करिए। इसी तरह चैनल को देखते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।